युवती का अश्लील वीडियो बनाकर दुष्कर्म करने वाले सरफिरे आशिक को पुलिस ने अपनी गिरफ्त में लिया है। पकड़े गए आरोपी पर पूर्व में भी युवती ने रतलाम में छेड़छाड़ का मामला दर्ज कराया था। दरअसल मामला बाणगंगा थाना क्षेत्र का है। रतलाम की रहने वाली युवती इंदौर में पढ़ाई करने आई हुई थी। इस दौरान सरफिरा आशिक उसे रतलाम से इंदौर ढूंढता हुआ पहुंचा और डरा धमका कर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। आरोपी ने युवती का अश्लील वीडियो भी बनाया था, जिसे दिखाकर आरोपी युवती पर दबाव बना रहा था। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी को अरविंदो के पास से घेराबंदी कर पकड़ा है। आरोपी धीरज खंडेलवाल मूलतः रतलाम का रहने वाला है। युवती द्वारा रतलाम में भी आरोपी के खिलाफ एक मामला दर्ज कराया गया था। जेल से छूटने के बाद आरोपी युवती का पीछा कर रतलाम पहुंच गया था। एक दुष्कर्म का एक मामला पंजीकृत हुआ है बाणगंगा थाना क्षेत्र में, किस प्रकार का मामला है? हमारे पास कल एक 19 वर्षीय पीड़िता आई थी कि उसके द्वारा, मूलतः रतलाम की रहने वाली है, उसके द्वारा बताया गया कि जब वह रतलाम में रहती थी तब वहीं उसके मोहल्ले में रहने वाला एक लड़का उसको परेशान करता था, छेड़छाड़ करता था, पीछा करता था, जिस कारण उसने रतलाम में संबंधित थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। अब उससे परेशान होकर वो पीड़िता यहाँ पढ़ाई करने के लिए इंदौर आ गई, तो वो इंदौर में भी आकर वो लड़का उसे परेशान कर रहा था। कभी उससे ज़बरदस्ती डरा धमका कर उसको बाइक पर बिठा कर कहीं ले गया, कमरे में उसके साथ दुष्कर्म किया, और वो दुष्कर्म करते समय उसने वो वीडियो बना लिया और बस उस अश्लील वीडियो को दिखा दिखा कर वो धमकी देता था कि मैं ये वीडियो वायरल कर दूंगा, अदरवाइज मैं जैसा बोल रहा हूँ ऐसा मानना पड़ेगा, और इस तरीके की धमकियाँ दे देकर उससे कई बार उसका उसने रेप किया। तो जो धाराएं थी समुचित धाराओं में हमने प्रकरण पंजीबद्ध कर और उसको फिर विवेचना में लिया। आरोपी गिरफ्तारी हो गई? आरोपी चूंकि उसने बताया था कि आज ही उसने, मतलब कल जो घटना वो जब पंजीबद्ध कराने आई थी तब उसके द्वारा बताया गया कि उसने आज ही देखा है उसको, आरोपी को, अरविंदो के आसपास, तो हमने भी तुरंत वहां मुखबिरी लगाई। मुखबिरी के अनुसार हम लोग भी वहां पहुंचे और उसको घेराबंदी करके हमने तुरंत पकड़ा, गिरफ्तार किया। आरोपी से उसका मोबाइल जब्त किया, मोबाइल में अश्लील वीडियो भी मिला हमें, जिसको हमने अभी जांच के लिए भेजा है। पैसे का लेन देन को लेकर नहीं था, केवल उसकी नियत शादी करने की बताई है अभी तक तो फरियादिया ने, कि वो शादी करने की नियत उससे रखता था कि मैं इसको ही पत्नी बनाऊंगा, इससे ही शादी करूंगा, तो शादी के दबाव को लेकर वो वायरल करने की धमकियाँ देता था। आरोपी पुताई करने का काम करता है, पेंटर है पेशे से। आरोपी का नाम है धीरज, पिता विनोद खंडेलवाल, मूलतः निवासी ये रतलाम का है, और इससे पहले इसका औद्योगिक थाना में अपराध पंजीबद्ध हुआ है छेड़छाड़ का। आपका नाम बता दीजिए। मैं सब इंस्पेक्टर श्रद्धा सिंह, थाना बाणगंगा, इंदौर।